गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का ये वीडियो है एज ऑफ लाइक यू नो चिन हेयर पे ही है, फेशियल हेयर्स पे ही है ये। एंड ये जो प्रोडक्ट मैंने लिया था ये मैंने ऑनलाइन लिया था, तो इसी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा आपको यू नो फेसबुक वगैरह पे ऐड पे दिखेगा एंड आप भी मेरी तरह इसको परचेज करना चाहोगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसका एक वीडियो शेयर कर दूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है ना टर्मरिक फेशियल वैक्स है एंड इसको मैंने फेसबुक पे देखा था इसका एड एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको परचेज़ करके आपके साथ एक ट्रू रिव्यू शेयर करूं। सो हम इसको ट्राई करते हैं। सो गाइस, आप मेरा चेहरा देख सकते हो ऑलमोस्ट लाइक यू नो मैंने इसी फेशियल वैक्स के लिए ना चिन वैक्स नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ना ही एप्लीकेटर यूज़ किया। सो मैंने अपनी ना एक टाइम तक ग्रोथ इसको आने दी, उसी से मुझे पता चलेगा कि कितने ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो इसका अमाउंट अराउंड 640 रुपीज़ है, 640-650 के करीबन। सो गाइस, आपने मेरे फेस की हालत पूरी देख ली है एंड पर्टिकुलरली ये जो फेस पैक है ये बोलता है कि आपके बाल पूरे रिमूव कर देगा इन वन ट्राई, नॉट इवन लाइक अ होम रेमेडी कि एक महीने दो महीने करो। सो ये बोलता है कि एक बार आप लगाओगे एंड कीप इट फॉर सम टाइम एंड वो आपके बाल हटा देगा। सो उसको हम अभी चेकआउट करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। एंड इट केम अराउंड 650 रुपीज़ का आया इतना सा पैकेट। सो इनकेस अगर निकल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड नहीं निकलते हैं तो वेस्ट ऑफ मनी है। अगर निकल जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है कि भाई पेन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है एंड बाल अपने आप निकल जा रहे हैं। सो चलिए मैं इसका फेस पैक बना लेती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। पता है मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया था एंड अब मैं एक स्पून की मदद से इसको पूरे फेस पे लगाऊंगी, इतना ले लेती हूँ। ठीक है, इसको हम पैक कर देते हैं। कहाँ है? कोई बात नहीं, बी रियल। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है, अब हटाते हैं फिल्टर फोन में से एंड देन करते हैं अप्लाई और आपको दिखाती हूँ कि निकले बाल की नहीं निकले। तो इसके बैक पे लिखा हुआ था कि यू नो इसकी जो इसको आप 5 मिनट लगाओ और बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। सो ये ठीक है एक तरीके से एंड इसको मुझे 5 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम इन किया जिससे आपको ना प्रॉपरली दिखे और इसके रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो वो भी आपको समझ में आएगा। अभी आप आराम से मेरे बाल नोटिस कर सकती हो कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ है एंड एवरीथिंग। पर पहले मैंने सोचा था कि पूरे फेस पे लगाऊंगी, देन मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ ये मत करो। एंड मेरी गलती कि मैंने इसका कोई पैच टेस्ट नहीं किया और ना ही मैंने इसको अपने हाथ या पैर में पहले लगा के नहीं देखा। सो रिज़ल्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से आया है। बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया है एंड ठंडा ठंडा लग रहा है, जलन वगैरह कुछ नहीं हो रही है। सो एज ऑफ नाउ मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा पूरे फेस पे मत लगाओ, इनकेस अगर कुछ भी रिएक्शन हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मुझे कई बार बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। एंड इनकेस अगर ये पाउडर वर्क कर रहा है तो हमारे लिए तो इट्स बेस्ट थिंग, 640 रुपीज़ है, 650 रुपीज़ वर्थ है। सो थोड़ी देर बाद ये जब सूख जाएगा तब मैं चेकआउट करूँगी कि बाल इसके निकले कि नहीं निकले। एंड फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ नज़ारा मेरे घर के बाहर का हैं ऐसे एरिया में। फिलहाल मैं आई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पर एंड इसी वजह से वीडियोस बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं। किसी दिन अपने दूंगी घर का टूर आपको पूरा। एंड व्हाट टू से, अभी कुछ कुछ इश्यूज चल रहे हैं घर पे, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। एंड ये लगी है सर, सो पूरा यही खेत है, सब कुछ है, छोटा बच्चा। सो गाइज, इसमें लिखा है कि आफ्टर 5 मिनट्स आपको एक वेट कपड़ा लेना है एंड इसको वाइप कर देना। तो मैंने ये कपड़ा साफ रखा हुआ था हमारे पास, सो मैं इसको ले लिया। अब मैं इसको वाइप करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। सो गाइस, निकल तो गए हैं, जैसे कि वीट होता है ना उसी तरीके से ये भी है एक तरीके से। बस फर्क इतना है कि इसमें टर्मरिक है और इसमें बहुत वीट में बहुत ज़्यादा यू नो केमिकल्स होते हैं एंड इसमें ना ये रूट से नहीं निकालेगा। जो आप उनका ऐड देखोगे फेसबुक पे, उस पर ये दिखाता है कि पूरा रूट से वो निकाल दे रहा है एंड एकदम चेहरा यू नो लाइक वैक्स की तरह क्लीन हो गया है। सो मत लीजिएगा, फालतू का प्रोडक्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है। मैंने इवन इनके कस्टमर केयर पर भी फ़ोन किया था बट दैट वॉज यूजलेस।
सो गाइस आई वुड से बिल्कुल यूज मत करो, बकवास है ये इनग्रोथ। देखो ना छोटे छोटे बाल इसने छोड़ दिए लड़कों की तरह, जस्ट लाइक द ट्रिमर, एंड इट्स यूजलेस। हाँ आप अपने हाथ पैरों के बाल इससे निकाल सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप इसको फेस पे ट्राई करो। एंड मुझे हल्का हल्का बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है। सो अब ये जो बचे कुचे बाल हैं इनको मैं प्लकर से खींचूंगी। सो इट्स बेटर कि हम वैक्स यूज कर लें। एंड जल्द ही मुझे पता है वापस से मेरे इस कमेंट बॉक्स में आएगा मैसेज कि यार आपने एप्लीकेटर का नहीं बनाया। बहन मेरे मैंने एप्लीकेटर खरीद लिया है, सब कर लिया है, बट टाइम का मुझे बहुत क्रंच, फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि इतने अच्छे से मेरा चैनल प्रोग्रेस किया था, जो कि अब धीरे धीरे वो नीचे आता जा रहा है। सो धीरे धीरे वीडियोस आने लगेंगे। और मत लेना आप लोग, जब भी इस तरीके के कोई एड्स देखते हो ना फेसबुक वगैरह पे, मैंने फेसबुक पे देख के खरीदा था, तो प्लीज मत पैसे वेस्ट करो, मेरे 650 रुपये वेस्ट हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो यहाँ पे हल्का ना बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है मुझे। सो अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लेना है हमको। एंड ये था एक छोटा सा रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया हो। जैसे कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि एक सच्ची चीज़ है, मैं दिखाना चाहती हूँ, इसलिए भी मैं एकदम से ना पता है वीडियोस नहीं बनाती हूँ कि कुछ भी बना दूँ एंड यू नो कुछ नहीं हो। सॉरी फॉर द नॉइज ऑफ सीटी कुकर की आ रही है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के फॉल्स एड्स पे बिल्कुल ना जाएं, बाल आप वैक्स से हटाएं या एप्लीकेटर यूज कर लो अगर आपको सूट कर रहा है। मैं अपना रिव्यू जल्दी अगला वीडियो इसी का आएगा शेयर करूंगी, प्लस व्लॉग्स भी शेयर करूंगी। धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑन ट्रैक होंगी। थैंक यू सो मच।